हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं काशिफ अली और आप देख रहे हैं काशिफ इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये हमारे पास डीसी मोटर है जो कि हम डोंकी पंप के ऊपर लगाते हैं और इस मोटर की वायरें आप देख सकते हैं बहुत छोटी हो चुकी हैं। अगर आपके पास इस तरह की कोई डीसी मोटर है उसकी वायरें बिल्कुल छोटी हो चुकी हैं या जड़ से टूट गई हैं, तो आप उस वायरों को किस तरह से दोबारा जोड़ सकते हैं ये तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपने इस मोटर को ओपन कर देना है। इसको ओपन करने के बाद आपने इसको काविये की मदद से शोल्डरिंग कर देनी है इन वायरों को। ये वायर तो हम यहाँ से निकाल देंगे, इस जगह पे हम दूसरी वायरें लगाएंगे। ये वायरें आप देख सकते हैं बहुत ही छोटी हो चुकी हैं। अब हमने क्या करना है, इन वायरों को यहाँ से काट देना है। उसके बाद इस जगह पे हमने दूसरी वायर लगानी है। इस तरह से हम इसको काट देंगे। यहाँ पे एक सेफ्टी रबड़ लगा हुआ होता है, इस रबड़ को हम निकालेंगे। ये अगर आपके पास कटर प्लास है तो उसकी मदद से बहुत ही आसानी से आप इसको काट सकते हैं। और इसी तरह से आपने इन वायरों को जड़ से उखाड़ देना है। ये आप देख सकते हैं दो पिन हैं यहाँ पे, इन दो पिनों के ऊपर हमने वायर्स लगानी है। अगर आप इस मोटर को वायर लगाना चाहते हैं तो इसकी वायर आपको बआसानी मार्केट में मिल सकती है, जिसका नंबर 3015। इस वायर को 3015 के नाम से बोला जाता है। अगर आपके पास कोई और वायर है जो कि 6 mm बल्कि 4 mm भी आप लगा सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त काम करती है। इस मोटर के अंदर आप 4 mm की वायर भी लगा सकते हैं। हम यहाँ पर 3015 की तार लेके आए हैं। इस तार को हम यहाँ पे टच करेंगे इस मोटर को शोल्डर आयरन की मदद से, जिसे हम काविया भी बोलते हैं। सबसे पहले आपने ये जो दो वायर हैं इनको शोल्डर कर देना है। इनको शोल्डर करने के बाद आप ये जो आपको दो पिन्स दिखाई दे रही हैं, इन दो पिनों के ऊपर काविये की मदद से आपने यहाँ पे शोल्डर लगा देनी है। ये देखिए, हमने दोनों पिनों के ऊपर शोल्डर लगा दी है। अब हम यहाँ पे रेड वायर लगा रहे हैं। यहाँ पे आप अगर ब्लैक वायर भी लगाते हैं तो कोई इशू नहीं है, आप यहाँ पे ब्लैक वायर भी लगा सकते हैं। अब हम यहाँ पे रेड वायर लगा रहे हैं एक पिन के ऊपर। शर्त ये है, अगर आप इसके ऊपर रेड वायर यानी कि आप यहाँ पे अगर सोल्डरिंग करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 100 वाट का काविया होना चाहिए। अगर आपके पास 60 वाट का काविया है तो आप कभी भी इसको सही तरह से सोल्डरिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत मोटी तार होती है। इस तार को यहाँ पे सोल्डर करने में बहुत परेशानी होती है। इसी तरह से अगर आपके पास 100 वाट का काविया है तो आप लाजमी उसे इस्तेमाल करें, ना कि 60 वाट के काविया या उससे छोटे टाइप के काविये को इस्तेमाल करने से गुरेज करें। इसी तरह से हमने इस मोटर के अंदर दोनों वायर लगा दी हैं। ये रबड़ हमने पहले लगा दिया था इन वायर्स के अंदर, अब हमने ये रबड़ वापसी लगाना है। ये आप रबड़ लगाने का तरीका देख सकते हैं, इसको किस तरह से लगाया जाता है ये आप अभी देख लें। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जब ये मोटर को शोल्डरिंग कर देते हैं तो उसके बाद इस रबड़ को लगाने में उनको परेशानी होती है। ये देखिए हम किस तरह से इस रबड़ को लगा रहे हैं। आप स्क्रू ड्राइवर या किसी और चीज़ की मदद से इसको यहाँ पे चोट मारेंगे, इसको दबाएंगे। ये आप जहन में रखें, आप इसको दबाएंगे तो आपकी वायर कभी भी वापसी नहीं निकलेंगी, ये मज़बूत हो जाएंगी। यहाँ पे आप अगर इस वायर को कोई खींचेगा भी तब भी ये वायर यहाँ से नहीं टूटेंगी। दोस्तों, ये हमने बहुत ही मज़बूत तरीके से यहाँ पे इसको शोल्डर कर दिया है। तो इसी तरह से आप भी अपने घर के अंदर बैठ के इस मोटर को बआसानी वायर लगा सकते हैं। ये देखें आपने किस तरह से मैंने इसके अंदर वायर लगाई, बहुत ही आसान तरीके से। ये तरीका बहुत ही आसान है, आप भी लगा सकते हैं, ये कोई मुश्किल नहीं। आपको किसी इलेक्ट्रिशियन भाई की मदद लेने की ज़रूरत नहीं। अगर आप चाहते हैं आप इसको घर के अंदर बैठ के भी इसको रिपेयर कर सकते हैं। इसी तरह से हमने इसको जब वायर लगा दी तो ये पीछे वाला जो गिलास है हम इसके ऊपर वापसी लगा देंगे। जब तक यहाँ पे बिल्कुल प्रेस नहीं बैठेगा ये गिलास, तब तक हम इसको सही से बिठाने की कोशिश करेंगे। ये हमारा गिलास बिल्कुल सही बैठ चुका है, तो हम इसके
जो दो हमारे नट थे ये हमने यहाँ पे लगा देने हैं। जब ये हम नट लगा देंगे तो ये हमारा मोटर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। दोस्तों ये देखा आपने, बहुत ही आसान तरीका था। आप इसी तरह की मज़ीद वीडियोस अगर हमारे पास से चाहते हैं तो आप हमारे चैनल काशिफ इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हमारे चैनल के बेल आइकन को भी आप दबा सकते हैं, क्योंकि जब आप बेल आइकन को दबाते हैं तो आपको मज़ीद वीडियोस मिलती रहती हैं। ये देखिए हमने वायर बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से लगा दी है, आप भी इसी तरह से लगाते हैं। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।